Welcome to Innovator Sabad, and today I have a startup working in making our bank services easier. They are tech guys. Gaurav is with me from Scaligent today, and we'll be exploring through his story because they are into the business for last like 4 years. They have incorporated their startup last year and incubated with us under as an AI startup. So let's talk to Gaurav, and I'd like to understand that how did your journey start? Because when I interview very young kids who are into the buzz of startups, and then there are very senior people. You are someone from the middle. I think you were working somewhere, and then you started this startup. Right. So we'd like to know that story. How did your journey start? So for every entrepreneur, like they decide once, like in their lifetime, they decide ki mujhe kabhi to start karna hai, right? So मेरा जो किक था वो इन अर्ली 2017 आई वाज हायर्ड टू डेवलप सम एल्गोरिथम दैट कुड ऑटोमेट द होल प्रोसेस. तो उस कंपनी में बहुत सारे हाईली प्रोफेशनल लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो लोग एक ही काम कर रहे थे. तो वहाँ पे मुझे एक फील आया कि लाइक सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, एंड दे यूज टू गो एंड गूगल इट एंड फाइंडिंग सम इंफॉर्मेशन, राइट? तो वो एक मुझे बहुत एक पेन पॉइंट लगा कि लाइक ऑल द पीपल आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, इट्स लाइक क्वाइट बोरिंग, एंड आई वाज हैड टू ऑटोमेट लाइक द प्रोसेस. तो फिर वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके मेरे अंदर एक आइडिया आया कि हम लोग लाइक व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ वेंचर दैट कुड ऑटोमेट द प्रोसेस दैट आर गोइंग मैनुअली. एंड इट वाज द एज ऑफ एआई, लाइक एआई एंड एमएल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 2015-2016, एंड दैट आईआईटी कानपुर व्हेन आई वर्कड इन 2009. सो आई वर्कड हियर एंड लाइक द बेसिक आइडिया आई हैड. तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मशीन लर्निंग में कुछ काम करना चाहिए. और फिर मैंने सेक्टर सेलेक्ट किया बिकॉज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, लाइक बिकॉज रिटेल और ई कॉमर्स में एआई एमएल का बहुत सारा यूज़ है, और लाइक किस सेक्टर में हमें जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना. फिर मैंने उसको वैलिडेट किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ पे है, एंड देन आई मूव्ड इन बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन इन 2023 आई स्टार्टेड स्कैलीजेंट. एंड मुझे मालूम था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम में ऐसे बहुत चैलेंजिंग होगा, राइट? बिकॉज लाइक वी आर लाइक ई के वाई सी कंपनी, सो लाइक गेटिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैंक दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग वर्किंग एज अ वर्क फ्रॉम होम कंपनी, राइट? तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी कानपुर ही जाना है. वहाँ पे वो मेरा मतलब एक जगह रहा है जहाँ पे मैं बहुत मतलब अच्छा काम किया था. तो फिर मैं यहाँ पे फिर इंक्यूबेशन के लिए ट्राई किया, फॉर्चुनेटली इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए, और फिर यहाँ पे फिर अभी हम लोग आ गए. सो आप मुझे थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, चूँकि सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेगमेंट है और बैंक सर्विसेज से मैं आपके अराउंड और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो आप क्या डिफरेंशिएशन या यूएसपी लेके चलते हैं? सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर इज अनस्ट्रक्चर्ड कस्टमर डेटा. ओके, सो लाइक ये दो अलग अलग मेथड में होता है. डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो रहा है जहाँ पे कस्टमर डिजिटली अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता है, और एक फिजिकल ऑनबोर्डिंग होता है जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करना होता है या कोई सर्विस स्टार्ट करनी होती है किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में. तो वहाँ पे आप फिजिकल मोड में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं. तो इन दोनों फेजेस में जो कस्टमर डेटा है वो एक बहुत ही क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है, बिकॉज लाइक ऑल द इंस्टीट्यूशन आर कलेक्टिंग द कस्टमर डेटा फॉर केवाईसी पर्पज, राइट? तो वहाँ पे जो कंपनी है उनको मतलब उनको हैवी पेनल्टी भी का भी मतलब प्रोविज़न है रेगुलेटर से. तो हमने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया वो लाइक जो कस्टमर चर्न है रेट है, कस्टमर चर्न रेट है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 38% है. और अभी भी लाइक आफ्टर लाइक आफ्टर डिजिटलाइजेशन एंड लाइक ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी अडॉप्टेड द डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूजिंग मशीन लर्निंग एंड ऑल, स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द अनस्ट्रक्चर्ड कस्टमर डेटा एंड लाइक आवर मशीन लर्निंग. सो आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हेल्प्स टू
beautify the customer data, like make it readable, mm-hmm. right? So because the document is not readable, that is the problem. Or jo RBI and other regulators hain, wo बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे दो तरीके से पेनल्टी केवाईसी में लगाते हैं. फर्स्ट ये है कि वाइल ऑन बोर्डिंग, ठीक है, तो उस समय आपने ठीक से केवाईसी नहीं किया, तो आपके ऊपर जब ऑडिट होगा तो आपको फिर वो फाइन आपको लगेगा, राइट, और यस बैंक पे लगेगा. और दूसरा बैंक जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है कि एक टाइमली आपको मतलब अपने कस्टमर्स के साथ, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ केवाईसी मतलब अपडेट करना होता है. तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो केवाईसी नहीं करते हैं, राइट, तो वहाँ पे फिर उनको उनकी कोई गलती ना भी होते हुए, लाइक पेटीएम लास्ट मतलब अभी आपने सुना होगा कि पेटीएम के साथ क्या हुआ, तो वो भी एक प्रॉब्लम था, वो केवाईसी में मतलब आरबीआई ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाया. तो हम लोग का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने मतलब सॉल्व करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि जो केवाईसी है वो टाइमली होना चाहिए ऑन बोर्डिंग के टाइम पे भी, और वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम टू असिस्ट द कस्टमर, एंड लाइक वी वॉन्ट टू बिकम अ इमीडिएटरी चैनल सो दैट वी कैन हेल्प द बैंक टू कम्प्लीट द केवाईसी फ्रॉम द यूजर एंड. ये जो रीडेबल का आपने बीच में बोला था, यूजर डेटा रीडेबल नहीं होता इसलिए केवाईसी इनकम्प्लीट रह जाती है या पेनल्टी पड़ जाता है, तो ये क्या है? मतलब मैं फोटोकॉपी करा के मान लो सबमिट कर रहा हूँ आधार कार्ड अपना या कोई चीज़ सबमिट कर रहा हूँ, तो उसमें डिस्पेंस ये क्या कैसे रीडेबिलिटी का? सो लाइक देयर आर द डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं रेगुलेटर्स के, तो वो सारे कंप्लाई करने पड़ते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सो यू हैव टू कंपेयर ऑल्सो ना कि अगर कहीं डेट ऑफ बर्थ अगर कहीं अलग हो गया या फिर एड्रेस है, तो यू हैव टू कंपेयर. तो आप ऑलरेडी आप OCR यूज़ कर रहे हो जिसमें आप ऑटोमेटिकली डेटा पुल करके उसको कंपेयर करते हो, तो बट इफ़ द डेटा इज नॉट रीडेबल देन व्हाट, तो वहाँ पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन है, मैनुअल चेक होगा, और मैनुअल चेक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार. अच्छा, ये भी एक प्रोविज़न है कि अगर डॉक्यूमेंट रीडेबल ही नहीं है, लाइक आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं सकते, मशीन ने तो नहीं रीड किया, फिर मैनुअल वो चेक हुआ, वहाँ भी अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है, एंड देन यू आपने उस कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लिया, तो जब वो ऑडिट में जाएगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाला है कि आपने मतलब रीडेबल जब ये नहीं है तो आपने उसको अप्रूव क्यों किया. तो लाइक वी आर सॉल्विंग दिस लाइक यूजिंग LLM मशीन लर्निंग, तो हम लोग LLM मॉडल बना रहे हैं टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ इमेजेस. आपने अपना पहला प्रोडक्ट कब लॉन्च किया था और क्या प्रॉब्लम्स थे? तो देखिए, हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो 2023 में ही लॉन्च हो गया जब कंपनी हमने बनाई, तो वो प्रोडक्ट है आधार मास्किंग का. तो आधार मास्किंग इज़ द प्रोसेस टू हाइड आउट द फर्स्ट 8 डिजिट नंबर, बिकॉज आधार नंबर इज़ वेरी सेंसिटिव. तो जब आधार कार्ड इशू होना शुरू हुआ था, UIDAI ने शुरू किया था 2010 में, तो उसके बाद से फिर बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गए थे. तो फिर 2016 में RBI ने कंप्लायंस लेके आया सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि आपको ये जो नंबर है जो कस्टमर का आधार ले रहे हैं वो उसको आपको हाइड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस टर्म इज़ कॉल्ड मास्किंग आधार ऑफ आधार नंबर, राइट. तो हमने इस प्रोडक्ट को बनाया, बट इसमें हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, लाइक हम लोग उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इतना इजीली काम देता नहीं है. इफ़ यू आर लाइक अगर आप मतलब इन्वेस्टर बैंक कंपनी नहीं हो आप वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रहे हो एंड यू आर डीलिंग विद द कस्टमर डेटा, राइट, मतलब आप एक मतलब एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल KYC डॉक्यूमेंट के साथ आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में मदद कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो उस ड्यूरेशन में फिर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मुंबई जाता था और वहाँ पे लोगों से मिलता था और अपने प्रोडक्ट को मतलब मैं दिखाता था कि ये हमने जो है बनाया है. तो उसमें फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, रिकमेंडेशन मुझे मिला कहीं से,
तो फिर वहाँ पे फिर मैं अथॉरिटी के पास गया और उनको अपना डेमो दिखाया. तो डेमो दिखाने के बाद दे लाइक्ड कि डेमो. तो अभी बैंकिंग सेक्टर में घुसना इतना आसान नहीं है. फिर उसके बाद से मुझे लाइक पायलट प्रोजेक्ट करने होते हैं. तो पायलट जब आप करते हो तो मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स भी पायलट कर रहे होते हैं. हाँ, तो वहाँ पे आपको मतलब जीतना होता है. तो हमने जब उनके साथ पायलट किया तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक व्हाट जो हम बनाते हैं एक्चुअली वो कस्टमर की नीड भी टाइमली चेंज होती है. उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप करना होता है. तो फिर उन्होंने हमें अपना मतलब जो हमारा एक बेसिक फीचर था उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स बताए. हमने उसको बनाया एंड लाइक दे मतलब दे सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है. उसके बाद से फिर जब सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ जब पायलट किए तो उसमें एक्यूरेसी लेवल चेक किया जाता है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया. तो फॉर्चुनेटली वी गॉट लाइक दिस सेलेक्शन. ओके, सो आपने अभी बीच में सिक्योरिटी की बात की. आप इतना सारा KYC और ये सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं, हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट इट इज सिक्योर? सो अभी तो हम लोग ऑन प्रेमिस करते हैं. तो ऑन प्रेमिस का मतलब लाइक ऑल आवर सॉफ्टवेयर विल बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर मशीन, राइट? एंड जो पूरा डेटा प्रोसेसिंग होता है वो उनके मशीन पे होता है. तो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन हम लोग आगे चल के इसको अपने क्लाउड पे इसको प्रोसेस करेंगे. बट देर आर तो उसमें बहुत सारे मतलब सर्टिफिकेशंस और कोड ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी जो हम फ्यूचर में करने वाले ये प्रोसेस. हाँ, अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये भी एडवाइस दें कि अगर कोई स्टार्टअप टेक स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाह रहा है तो मतलब स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि आपको भी काफ़ी टाइम लगा. आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से IIT में पहले जॉब कर रहे थे. यू आर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट एंड देन अराउंड लाइक 10 years बाद आप वापस IIT आ रहे हो. ये लेवरेज सबके पास नहीं, सबको यहाँ के इकोसिस्टम के बारे में. देखिए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो लाइक मेजोरिटी ऑफ द फाउंडर्स, ठीक है, दे लव देयर सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे कोई प्यार नहीं करता है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जेन्युइन होना चाहिए. आप कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लीजिए, आप मतलब आप उस फील्ड से हो या ना हो, बट वो जेन्युइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए. एंड लाइक वो क्या है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना बड़ा है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है. कि लाइक आर यू सॉल्विंग सम 5% ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इट इज 50% ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस पे आप काम करोगे, अपना सब कुछ मतलब लगा के सब कुछ इतना बड़ा रिस्क लेके आप उस पर काम करोगे और आपका जो कॉम्पिटिटर है ही मे बी लाइक ही मे बी मोर पावरफुल एंड लाइक मोर फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो वो आपके बनाने के बाद अगर उसने बना दिया तो वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट? तो आप मतलब इसमें बहुत कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो लाइक वी नीड टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन प्रॉब्लम एंड वी नीड नॉट टू थिंक कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ऐसा भी नहीं होता है. वो कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं सोच के एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचना पड़ता है. तो लाइक आई वॉज वॉचिंग अ वाई कॉम्बिनेटर वीडियो, तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप मतलब आइडिएशन के बेस पे सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे, राइट? तो ड्रॉप बॉक्स के बारे में उन्होंने बताया कि ड्रॉप बॉक्स के अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती थी जो सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम करके उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था. बट ड्रॉप बॉक्स ने जो आइडिया था वो बस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर गया कि आप मैनुअली जाके अपलोड नहीं करोगे, आप राइट क्लिक करके डायरेक्ट मतलब वो सिंक हो जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन था, राइट? तो वाई कॉम्बिनेटर यूजर को इसने आगे भी रखा. तो YC ने उनको सेलेक्ट किया एंड नाउ ड्रॉपबॉक्स लाइक आप जानते हैं ड्रॉपबॉक्स इतना बड़ा प्रॉब्लम. तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं सोचना है कि जो आप बना ना पाए, राइट? और एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता हो उसके बारे में मतलब बहुत सारे मतलब मैं अगर कभी बैठ के आइडिया सोच रहा हूँ और मैं एक टेक स्टार्टअप हूँ तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई ये सिंपल है, इसका मार्केट साइज काफी बड़ा है दैट आई कैन पुल इनटू. अगर वहाँ पे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं तो भी मेरा इतना धंधा बन जाएगा कि मेरा काम चल रहा है. तो ये समरी है. अगर मतलब टेक्निकल स्टार्टअप टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग के अगर सेंस में देखें तो इंडिया कितना रेडी है
क्योंकि हम लोग कहीं एक तरफ बैठ के सिलिकॉन वैली और इन सब के एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, वहीं पे बैंगलोर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स हैं, आप जस्ट अपोजिट नॉर्थ में 180 डिग्री पे हो, तो वो इकोसिस्टम कैसा दिखता है? जो मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक मैं 2010 में अमेजोन को देखता था, तो वो 2009 में आई थिंक, तो वो मतलब वो उनका काम था, मतलब बुक बेचते थे वो अपने प्लेटफॉर्म पे, राइट। उस समय जो है बहुत सारे मतलब कंपनीज उसके बाद से आना शुरू किए। अभी हम लोग के टाइम पे हम लोग प्लेसमेंट देखते थे, जब हम अपनी इंजीनियरिंग पास करके निकले तो हम लोग सारे यंग थे और हम लोग सोचते थे कि हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। अभी मैं IIT कानपुर में आया हूँ, तो लाइक मैंने यहाँ पे उन लड़कों को भी देखा है जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली है और दे आर लाइक दे स्टार्टेड देयर वेंचर, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, लाइक अगर आप कंपेयर कर रहे हो सिलिकॉन वैली से, तो इंडिया में भी बहुत मतलब 2016 के बाद बहुत मतलब काम हुआ है, और जो स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव था और उसके बाद जो मतलब एक बहुत बड़ा बूम आया AI ML में, और बहुत सारे मतलब नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, राइट, मोबाइल, फिनटेक, और ये इंडस्ट्री जो है ई कॉमर्स, रिटेल, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त बूम आया है। तो इसमें बहुत सारे अभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जिसको सॉल्व करना चाहिए। तो नए नए प्रॉब्लम्स लोग ढूंढ रहे हैं और अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई भी बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत मतलब फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। यू सिंपली डेवलप द MVP एंड यू कैन गो इन द मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मतलब हो सकता है आपका कस्टमर ही आपको फंड करे, राइट। तो फंडिंग तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपनी कंपनी नहीं चला सकते। बट गेटिंग को फाउंडर्स इज ऑल्सो अ चैलेंज, लाइक इफ यू आर टेक गाय, और ज़्यादातर जो टेक पर्सन होते हैं वो इसमें सेल्स में मतलब वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, राइट। दे आर लाइक, क्योंकि उनका बात करने का जो तरीका होता है और जो सेल्स के लोग होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर आप टेक हो तो आप एक सेल्स को हायर करो या फिर उसको अपना कोफाउंडर बनाओ, और पैरेलली आप लोग को साथ में मिलके काम करना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी बनाओ और कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए, मतलब दो लोग एटलीस्ट होने चाहिए। यस, आप बार बार वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को टच कर रहे थे और मेरे को लग रहा है कुछ नाराजगी है आपके अंदर। नहीं, वर्क फ्रॉम होम इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। अच्छा, तो क्या व्यूज है आपके? ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वर्क फ्रॉम होम में जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट किया तो मैं IIT मंडी से हायर किया, और बहुत सारे अच्छे टैलेंट मतलब मैंने हायर किए, एंड लाइक विदाउट हैविंग द ऑफिस, लाइक आई स्टार्टेड एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो एक मतलब ये एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास ऑफिस नहीं है, ठीक है। और स्टैब्लिश कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम में दो सिनेरियो होता है कि एक ये होता है कि आपके पास वो एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट यू नीड मतलब आप उनको वर्क असाइन कर दो और वो अपना काम टाइमली कर दें, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करना ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपना काम टाइमली नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो घर वाले सेटअप में होता कम्युनिकेशन, तो वो क्या करते हैं कि अपना काम टाइम पे नहीं करते हैं और रिपोर्ट भी टाइमली नहीं करते हैं, राइट। वो भागने लगते हैं फिर उन सब चीज़ों से, और वो जब वर्क फ्रॉम होम के अलावा जब वो ऑफिस में बैठेंगे तो वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, राइट। तो वर्क फ्रॉम होम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो है, बट उसकी सिनेरियो अलग अलग हैं और हर एक का जो परसेप्शन है वो अलग है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो जो लर्नर्स हैं उनको ऑफिस में बैठना चाहिए, और जो आपके ऐसे बहुत एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज हैं फॉर देम वर्क फ्रॉम कैन बी एन ऑप्शन। के समय से जो एंटरप्रेन्योर्स अभी आपको देख रहे हैं IIT कानपुर की इकोसिस्टम के बारे में, कैसे वो लेवरेज ले सकते हैं इस चीज़ का? ओके, माय मैसेज इज टू लाइक वर्क, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको सिंसियरली करो। स्टार्टअप में स्ट्रगल है, बट इफ यू आर यू हैव गुड को फाउंडर एंड यू हैव राइट टीम, तो वो आप जरूर सक्सेस हो गए।
और लाइक हियर इन SIIC IIT कानपुर, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. लाइक मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मुझे यहीं पे आना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेंटरशिप फंडिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं जो कि मैं पहले इग्नोर करता था. और प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है. गुड मेंटरशिप अगर आपको नहीं मिल रहा है और आपको मार्केट नहीं पता है, तो आप आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो. तो इसके लिए आप मतलब हमेशा तैयार रहो कि अगर आप आपको कहीं फिजिकल इंक्यूबेशन नहीं लेना है और आप ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो, तो वहाँ पे आप जो है काम करो. बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर स्ट्रगलर, ठीक है, और आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास फंडिंग नहीं है, तो यू नीड टू गो समवेयर फॉर फिजिकल इंक्यूबेशन. थैंक यू सो मच गौरव फॉर योर टाइम. थैंक यू.